सोहना से समाज सेवी व जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार रोहताश खटाना रिथोजिया ने सोहना के गांव धामधोज, अलीपुर, हरिया हेड़ा, रायसीना, मोहम्मदपुर, गुर्जर आदि कई गांवों का दौरा करके लोगों से वोट की अपील की। गांव में आने पर लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। भारी संख्या में लोगों ने उनके सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि आने वाली 21 अक्टूबर को उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह चाबी का बटन दबाकर रोहताश खटाना रिथोजिया को भारी मतों से विजय बनाएंगे। आज उन्हें सभी 36 बिरादरी का जोरदार समर्थन मिल रहा है। गुरुग्राम से वेद जांगड़ा की रिपोर्ट। भाई वोट की अपील करने के लिए आपके बीच आए, इलेक्शन का दौर चल रहा है, सभी को मालूम है और ये भी सभी को मालूम है कि हम 36 बिरादरी के कैंडिडेट हैं। जो पार्टियों ने हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया और मान सम्मान खराब किया, कोई भी पार्टी ने भी टिकट नहीं दी, बीजेपी ने तो और भी ज़्यादा कर दिया, जो MLA की टिकट काट दी, मंत्रियों की टिकट काट दी, जो मान सम्मान उन्होंने खराब कर रखा है उसके प्रति जो लोगों में जो सरजमीन पैदा हुआ और एक बहुत बड़ी पंचायत रखी 36 बिरादरी की, उसमें मुझे कैंडिडेट बनाया और फिर हम JJP की टिकट ले आए। तब तक वो टिकट भी बाकी थी तो साथियों दोनों टिकट है और जो 36 बिरादरी की टिकट है उससे बड़ी टिकट नहीं होती। ये जनता जनार्दन के पीछे ही टिकट भी पार्टी की, सब आप लोगों के पीछे टिकती है, आप लोगों की जो टिकट है, जीत भी आपकी है और हार भी आपकी है। तो 36 बिरादरी का मान सम्मान बचाने के लिए आपको सभी को मिलजुल के संघर्ष करना होगा और सरकार भी दुष्यंत चौटाला जी की बनने जा रही है। कांग्रेस तो बीच से खत्म है क्योंकि देखो ना, अशोक तंवरे भी इस्तीफा देना पड़ा, 5 साल मेहनत करी और फिर इस्तीफा देना पड़ा। तो बीजेपी और JJP दो ही पार्टी की लड़ाई रहेगी। तो आप देख रहे होंगे खबर और अखबार पढ़ते होंगे, दोनों का भारी कंपटीशन चल रहा और JJP इसको भगा सकती है। BJP इसके पास झूठ बोलने के अलावा, भाईचारा खराब करने के अलावा, भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जब ये आएगी तब बेरोजगारी पैदा होगी। तो आप तो सभी का मन इसको भगाने का बना हुआ आना BJP बात इसको भगाने का मन एक ही रास्ता है। हमारे पास हमारी पार्टी में तो काफ़ी परेशान है, इनके लिए लाठी बोलने की जरूरत नहीं है। चाबी के निशान के सामने का बटन दबा दो, आप भाग जाएंगे और ये भाग जाएंगे। 36 बिरादरी का मान सम्मान भी रहेगा और जो 52 साल से जो ताला लगा हुआ कि भाई क्षेत्र का विधायक नहीं बनता, अब की बात तुम्हारा विधायक भी बनने जा रहा है, वो भी ताला खुल गया। पहले तो बनता ही नहीं था, इलेक्शन तो लड़े थे, कोशिश तो करे थे, अब तो टिकट ही लेनी बंद कर दी। लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रही, कल को इनमें से भी दो MLA का इलेक्शन लड़ेगा। अगर आज इस ताला ही नहीं खोलेंगे तो कैसे लड़ोगे? आज नहीं तो फिर कल तो है ही नहीं कुछ भी आपके लिए, बिल्कुल जाम हो चुका सब कुछ, आपके भविष्य में ताला लगा दिया इन्होंने। तो उसकी लड़ाई लड़ रही है मान सम्मान की आपके भविष्य के लिए, तो वो ताला भी खुल जाएगा। नहीं तो अभी जो ऐसी है जो सारे ताले खोल देगी और इस समाज में जो कैंडिडेट बनाया हो उनका मान सम्मान रह जाएगा। साथियों चाबी के सामने का बटन दबा दो 21 तारीख को, ताकि सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ कल जो है चौटाला, वो दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं सोना, अब देवराज स्टेडियम में 1 बजे का प्रोग्राम है, उनके भी जो भाषण सुनने के लिए आप सब ज़्यादा संख्या में पहुँचने की कोशिश करें, जिसकी आवाज़ चंडीगढ़ तक जाएगी। कल की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, ये तो कल ही जो है हार जीत कर ली हो गई। कहना आप तो पड़ोसी थे, वो 100 किलोमीटर से जाकर रखिए, 150 किलोमीटर से आप जाओगे उनके पास, उनसे खुद काम करवा सकोगे? हम आपके बीच रहेंगे, आपके भाई हैं, आपके पड़ोसी हैं, साइकिल पर भी आ सकते हो, पैदल भी आ जाओ हमारे यहाँ पर। इनके लिए आप सुबह से चौंक कर लोगों का निकालो, सबको आपको मिलते ही नहीं।
वहीं को 24 तारीख को उनकी छुट्टी कर लो, 21 को वो शादी के सामने वो अपनी दवाई दो, 24 को अपने जब गिनती होगी तब आप इनकी छुट्टी हो जाएगी।